OTP स्कैम तो आपने सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर सिम कार्ड स्वैप करके बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। पुणे के कोथरूड में 18 लाख रुपए का सिम कार्ड स्वैप स्कैम हुआ है। इस स्कैम में फ्रॉडस्टर सबसे पहले आपको एक फिशिंग ईमेल भेजते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि मेल बैंक की तरफ से आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और उस मेल से वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके बाद अगेन वो आपको एक SMS करते हैं, जो आपको लगता है कि टेलीकॉम कंपनी की तरफ से आया है, जहां पर आपको पूछा जाता है कि अगर आपको अपने सिम कार्ड को और अपने एक्सपीरियंसेस को अपग्रेड करना है तो कंफर्मेशन दीजिए। जैसे आप कंफर्मेशन दे देते हो, डुप्लीकेट सिम कार्ड बन जाता है और कुछ घंटों में ही डुप्लीकेट सिम कार्ड एक्टिव होकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। इस स्कैम को अवॉइड करने के लिए किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, चाहे वो SMS से आई हो या फिर ईमेल से। साथ ही अननोन लिंक्स पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड मत कीजिए। और जब भी आपके सिम कार्ड से नेटवर्क चला जाता है, तुरंत अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करें कि ऐसा क्यों हुआ। ये स्कैम पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे स्कैम से बचने के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनके साथ शेयर कीजिए।